हम लोग के बीच में एक और बहुत, उनको क्या कहूं मैं, उनको शख्सियत कहूं या उनको एक योद्धा कहूं, हम लोग के बीच में बिहार से पिछले 9 महीने से उस जनता के योद्धा को, बिहार की जो वर्तमान सरकार है उसने साजिश करके जेल में रखा, उनका नाम आप सभी जानते हैं जो भी सोशल मीडिया पे आजकल थोड़ा है, मनीष कश्यप को सब जानते हैं, मनीष कश्यप को। अभी 4-5 दिन पहले ही ये मनीष जी इनके लिए, मनीष बाबू ने राज, मनीष कश्यप इनको सन ऑफ बिहार इस समय कह रहे हैं लोग, और ये एक पत्रकार है, अपने यूट्यूब से इन्होंने जो समाज की जनता की आवाज है उसको उठाना शुरू किया, लेकिन ये आवाज सबके खिलाफ ही उठाते रहते, मतलब जहां जेन्युइन बात हुई उठाते हैं, लेकिन इनको जो बिहार की खासतौर से एक जो राष्ट्रीय जनता दल को इतना गुस्सा आया कि इनके ऊपर इनेसिव, जो व्यक्ति जनता की आवाज उठा रहा था उसके लिए उसको एनएसए और तमिलनाडु की जेल में भेजा, फिर कोर्ट ने डांट लगाई, फिर उसको बिहार की जेल में भेजा। अब उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई थी और मैं एक दिन उनसे जेल में मिलने गया, जेल प्रशासन ने परमिशन दिया कि हमें मिलना है, लेकिन उनको हमसे मिलने नहीं दिया, अचानक सारा ऑर्डर कैंसिल किया गया। इतना दरिंदगी, मतलब बाद में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि दमन का बहुत क्रूर रूप हम सब ने देखा जो मनीष कश्यप को दिया। लेकिन उसके बाद भी मनीष के जो हौसले हैं उसको कोई तोड़ नहीं पाया, और मनीष कश्यप आज सबके सामने हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ, देखो मनीष भाई, वैसे तो तकलीफ किसी को भगवान न दे ऐसा, मैंने आपका वो फोटो भी देखा जब आपके अपने टी शर्ट निकाल करके और एक गंदा सा कपड़ा पहना करके जमीन पे बिठा करके फोटो वायरल किया, सिर्फ इसलिए कि आदमी जनता की आवाज को उठाते और बहुत सलीके से। तो मैं इनके गांव जाने वाला, मैं मेरा प्लानी का गांव जाने का और जा ही रहा हूं, लेकिन ये बिहार के बेतिया में इनका घर है और वहां से निकल करके आ गए दिल्ली, और आए भी तो उस दिन जिस दिन मेरी बिटिया का जन्मदिन है। तो हम सब आपको, अभी तो दर्द की दास्तां बहुत है, लेकिन मनीष जो गल के आता है ना वही सोने से कुछ बनता है, ये भी समाज को इतिहास पता है। तो आपके दर्द बहुत है मगर आज आ पाए, आपको धन्यवाद। तो सब कुछ कहना चाहो, जन्मदिन बाटे तो आज के दिन हम का कर सकते हैं, बस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया के, और बिटिया रुआ देखावल रास्ता पे चलो, और रुआ जगह समाज के भला करता नहीं, राष्ट्र के भला करता नहीं, कोई ने बिटिया भी बड़ा हो के समाज और राष्ट्र लाख सवाल पीट रहा हूँ, बस दो सप्ताह हम यह कहें। और बस भगवान के घर में देर बा अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल जो है सत्य सबके सामने आता है, और 9 महीना बाद आखिरकार कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, एनएसए गलत तरीके से मनीष कश्यप पे लगाया गया था, और कोर्ट ने एनएसए को खारिज कर दिया, मतलब कि बेल नहीं दिया एनएसए में, एनएसए को सीधे खत्म कर दिया कोर्ट ने। अगर एनएसए नहीं लगा रहा था
तो शायद मैं 15 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहता, इसलिए सरकार साजिश करके मेरे ऊपर एनएसए लगा। तो वो सब के बात हुई फिर कबो, आज जन्मदिन बाटे, खुशी के माहौल बाटे, और संयोग से शनिचर के हम जेल में रही, शनिचर के हमार बेल भई, और शनिचर दिन आज है भैया लेके हम शनिचर के आगे बने। थैंक यू मनीष। देखो ये तो कई लोगों के रोड पर ही बात बोले, हम हमरा ना पता रहे कि दिल्ली में एगो हमर भाई बने, ना पता रहे, हमरा उम्मीद भी ना रहे कि जोन सरकार से 5000 वीडियो बनौले बानी, हमर यूट्यूब पे जाके देख लेब, 4000 वीडियो में तो हम भाजपा सरकार से सवाल कैले बानी, 4000 वीडियो में। ओकरा बावजूद जोन बाटे एगो भाई जोन बानी, वो हमर माँ के आंख के आंसू पोछे, हमार मदद करे, यहाँ जैसन आदमी के मदद के कारण ही मनीष कश्यप जोन बाड़न 9 महीना में जेल से बाहर निकल पैलन, ना तो सरकार हमरे के 2 से 3 साल लाग फिक्स कैले रहे कि 2 से 3 साल तक हमनी के मनीष कश्यप के नाम निकले। तो भैया के तो फिर से हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। मनीष देखो यही, मैं तो एक दुनिया से, संगीत की दुनिया, आर्टिस्ट की दुनिया, ये सब हमारे बच्चे सब बिहार के हैं। ये किरण तुम सिवान की हो ना, और जूही तुम भी सिवानी, सब सिवान के हैं बच्चे। और ये आदित्य पांडे हैं, इसका नाम भूल जाता, सुमित, और ये कहाँ गया जो, ये सब लोग इस दुनिया से अक्षरा बैठी हैं। एक दिन प्रेरणा हमको भी जो मिली ना कि हमको किसी की आवाज बनना है, आपने जब ये युद्ध शुरू किया, पहले से भी पता है जब आप बात करते थे आपकी किसी बात में कोई दम नहीं। हमें याद है कि एक पुल के बारे में, बिहार में पुल बन रहा था, और उस पुल के बारे में इन्होंने कहा कि पुल बहुत ही लापरवाही से बन रहा है, और इन्होंने वीडियो बनाया, मनीष चौधरी यहाँ बैठे हैं बेगूसराय से, देखो भोला सिंह जी के परिवार से मनीष चौधरी यहाँ पे, ये पार्षद भी रहे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आपको स्वागत है मेरे एक वीडियो में, एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये सब लोग जो बता रहा हूँ एंड मालती, ये बड़ी बात में भगवान भाई बैठे अर्जुन भैया के बारे में, राजेश शुक्ला जी से बताया, हमारे पास ये रियलिटी बताती हूँ, मेरे पास भी ऐसे 2-4 लोगों का कॉल आया, मगर इनका ढूंढना क्या है कि कौन सही कौन सी भी लड़ सकता है, कि मालती और विष्णु के साथ राधा दास जी हैं वो वीडियो बनाती थी साथ में, रहती यूट्यूब की, और हम लोग भी राधा से मिले हुए हैं, राधा के पास जाते हैं, राधा दीदी के पास, और वीडियो वगैरह शूट भी होता है उनके साथ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब उनके थ्रू से ही मुझे, मेरे पास फोन आ रहा है और पूछ भी रहे हैं लोग कि क्या बात है। तो मैं देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो गांव में हूँ नहीं, और फिलहाल इधर राधा दीदी से मैं बहुत दिन से मिली भी नहीं, अगर आप उसको उठाते हैं मिले हुए कम से कम 2-3 मंथ हो गए हैं, मैं 2-3 मंथ से उससे उनको खुशी होती है, वो कहते हैं कि विपक्ष को भी कहते हैं आप उठाओ तो विष्णु चौहान, हम उसको करने को तैयार, तो आप ऐसे गलती किए थे ठीक है, हम मानते हैं, और वो भी मान रहे हैं कि वो गलती किए हैं, और माफी नहीं मांगे, और इतने कई सारे वीडियो जनता की आंखों को धोखा देने के लिए भी होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर मनीष कश्यप जैसा कोई शेर खड़ा होगा, कोई योद्धा खड़ा होगा, और उस बात को सही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, जो गलत होगा उसको लगेगा ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और इनका शब्द में सुना था कि बोले कि हम 4 सवाल किए थे, 4 पुत्रों ठीक है कोई बात नहीं, तो भाई और इसमें विद्वान की तो एक लाइन भी ना, और भाई का नाम वो तोप के गोले से जा रहा, तो वो भाई अगर यदि, लेकिन हम आपका इसलिए तारीफ करना चाहते हैं कि आप अपने दमन के बाद भी टूटे नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको मात्र बिहार नहीं पूरा देश, देखो हमें तो नहीं पता ना कि इनको हमारे गेस्ट हैं, हम लोग ये परिवार है, हम लोग साथ में काम करते हैं, तो ये लोग भी आपको जानते हैं, हमारी तो कोई चर्चा होती नहीं, तो इस नाते हम आपके बहुत
छोटी बच्ची हृदय से आपके साथ खड़े, 4 जनवरी को हम इनके गाँव जाए, सिर्फ इसलिए जाएंगे कि जिसको भी मनीष का जो नुकसान करना है करे। हम एक व्यक्ति के रूप में भी, एक देश के सांसद के रूप में भी, और आपके बड़े भाई के रूप में आपके साथ खड़े हैं। इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, ये और आप जैसे युवाओं, एक वीडियो में मैंने देखी मालती दीघा शादी और जो ऐसे हो गया है, आप यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक वीडियो देखी, अब शब्द रियल हो या मैं सोच नहीं सकता था, वो मैं देखी, वो भी बहुत मजबूत था, बहुत सारी चीजें थी जो हो रही थी मैं देख रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं करते हुए भी लगता था कि ना पड़े, आप प्लीज अपने घर पे आइए और साथ में और आप दीदी बच्चों को संभालिए। और मैं मालती दीदी के बारे में ये तकलीफ दिया ना, उस तकलीफ की हाय इन लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ये भी हमको अपने से शादी किए हैं। अक्षरा को मैंने कल पूछा था, वो आपकी भाभी है, उस बाप पे इतना जानकारी होने के बाद क्या बगल में हमारी पूनम चौहान वो जिले के अध्यक्ष है, इतना जानकारी होने के बाद जो आज हमने जितना भी कार्यक्रम किया है वो दो जिला अर्जुन भैया से बात कर रही है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, अर्जुन भैया कह रहे हैं कि नहीं, आपके आने की खुशी भी तो मिल गई हमारी बिटिया के जन्मदिन की खुशी, आपका हस्बैंड है तो ये बहुत अच्छा दिन में सब कुछ हुआ है, तो नहीं सोचे ना, और आप अपना सोचे, सब लोग कह रहे हैं हमें क्या करना है, अच्छा, क्या नहीं करना है, मान के चलिए वो गलत है, आप सही रहते ना तो उसको झुकना पड़ता, आप आइए और वो गलत गलत जो किए उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसे अक्षरा सिंह जी आजकल पता चला बिना पेमेंट के गाती नहीं, बता ही रहे गलती थी, अफेयर चल रहा था, कोई बात नहीं।